भारत और मालदीव के बीच चल रहा विवाद किसी से छिपा हुआ नहीं। एक समय था जब भारत और मालदीव के बीच अच्छे संबंध थे। मालदीव भारत से उलझ गया, लेकिन ऐसा करके अब वह बुरी तरह फंस गया है। मीडिया से आई खबरों के अनुसार IMF से कर्ज मांगना पड़ रहा है मालदीव को। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं। मेरा नाम है निशांत मिश्रा और आप देख रहे हैं NDTV इंडिया। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू ने जानबूझकर भारत से दुश्मनी मोल लेते हुए इंडिया आउट अभियान चलाया। इसके तहत मालदीव से भारतीय सैनिक 10 मई तक बाहर निकलेंगे, जिसकी जगह भारत का ही योग्य टेक्निकल स्टाफ लेगा। भारत से विवाद होने के बाद पहले से जूझ रही मालदीव की अर्थव्यवस्था को एक और बड़ा झटका लगा और बात अब दिवालियेपन तक आ गई है। और खबरों की माने तो मालदीव ने दिवालिया होने के बाद अपनी स्थिति को सुधारने के लिए अब IMF से बेल आउट लोन की मांग की है। हालांकि मालदीव के मंत्री सईद ने एक्स पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने इन आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि मालदीव को ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने पर्दे के पीछे छिपे लोगों के एक समूह पर देश की वित्तीय प्रणाली के संबंध में अविश्वास पैदा करने का आरोप लगाया और कहा कि यह प्रयास राजनीतिक हताशा के कारण किया गया था, क्योंकि मालदीव ने उस गंभीर स्थिति को नहीं छोड़ा था जिसका वे इंतजार कर रहे थे। ऐसा माना जाता है कि मालदीव में मोइज्जू के राष्ट्रपति बनते ही दोनों देशों के संबंध में तकरार आनी शुरू हो गई। मोइज्जू भारत के पहले से ही विरोधी बताए जाते हैं, यही वजह है कि उन्होंने मालदीव से भारत की सेना को हटाने की जिद पकड़ ली। भारत से विवाद के बाद मालदीव पर्यटन को बड़ा झटका लगा है। हमारे देश के बड़े सेलिब्रिटी से लेकर आम लोगों ने इस मुद्दे पर जमकर विरोध जताया। साथ ही कई लोगों ने मालदीव की ट्रिप भी कैंसिल कर दी। मालदीव ट्रिप कराने वाली कई ट्रेवल कंपनियों ने भी अपनी सारी बुकिंग कैंसिल कर दी, जिसमें होटल से लेकर फ्लाइट तक की सर्विस शामिल है। आपको बता दें कि पिछले साल मालदीव जाने वाले यात्रियों में भारतीयों का स्थान सबसे ऊपर था, पर अब इस मामले में भारत 5वें स्थान पर आ गया है। जनवरी में भारत से मालदीव जाने वाले पर्यटकों की संख्या में काफी गिरावट आई है। ये बात सिर्फ पर्यटन तक सीमित नहीं है, बल्कि मेडिकल, शिक्षा और दूसरी कई जरूरत की चीजें ऐसी थी जिसके लिए मालदीव काफी हद तक भारत पर निर्भर रहता था। अब इसको लेकर भी मालदीव को बड़ा झटका लगा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि मालदीव को मेडिकल इमरजेंसी के मामले में श्रीलंका से मदद मांगने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। बदहाली से जूझ रहे पाकिस्तान से भी मालदीव मदद की गुहार लगा रहा है।